हेलो दोस्तों, एडी स्टॉक न्यूज़ में दिल से स्वागत है आपका। चलिए बेहतर तरीके से जानते हैं बाज़ार के एक्सपर्ट का क्या कहना है इस स्टॉक को लेकर। और हाँ, आप अगर जब पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में है स्टॉक, तो केमिकल्स स्टॉक, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रो केमिकल, ये थीम पर हम लोग काफी बुलिश है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी तीन स्टॉक है, तो एक एथर इंडस्ट्रीज है, एक हाइकल है और एक टीआई इंडस्ट्रीज है। तो आज हम बात कर रहे हैं हाइकल की। तो हाइकल में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय पहले कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो था कि उनका प्लांट बंद हुआ था एनवायरमेंट कंसर्न की वजह से, और उसमें काफी कंपनी को लॉस भी हुआ था, तो उसके नंबर्स काफी खराब आए। बट वो फिर बाद में हाईकोर्ट ने उसको क्लीन चिट दिया और वो चालू हो गया। तो वही टाइम था एक्चुअली जब वो ऐसे अच्छे स्टॉक्स, कंपनी अच्छी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हो और उसमें अगर कोई नेगेटिव न्यूज हो तो वो आपके लिए एक अच्छी लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हमने उस समय ही उसको ऐड किया था और बाद में अभी फिर दोबारा ऐड किया है। तो अब ये कंपनी का बेसिकली आधा आधा बिजनेस फार्मा और आधा एग्रोकेमिकल से आता है। गाबापेंटिन एक प्रोडक्ट है फार्मा का, जो इसमें ये नंबर वन प्लेयर है वर्ल्ड वाइड, और थियोबेंडाजोल एक एग्रोकेमिकल का प्रोडक्ट है जहां पर अगेन ये वर्ल्ड लीडर है। अभी जो ट्रिगर फ्रेश ट्रिगर्स बन रहे हैं वो ये कि इन्होंने एग्रोकेमिकल्स में काफी एक्सपेंशन किया है, और अभी 300 करोड़ का कुछ एक्सपेंशन जो है वो अगले महीने से कमेंस होने वाला है। मतलब उसके 3-4 महीने बाद नंबर आना शुरू हो जाएंगे। नया प्लांट चालू हो रहा है और एग्रोकेमिकल्स में, और उसके बाद फिर अगले साल करीबन 500 करोड़ का एक और एक्सपेंशन है जो फार्मा में आने वाला है, जो एनिमल हेल्थ केयर के लिए जोइटिस के साथ में इन्होंने एक 10 साल का एग्रीमेंट किया है। तो कंपनी के पास बहुत बड़ा स्कोप है अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने का, और जो नेगेटिविटी की वजह से, जो प्रॉब्लम्स की वजह से पिछले दिनों में स्टॉक में पिटाई हुई, उससे वैल्यूएशन केवल जो है हमारे अनुमान के जो नंबर्स हैं अगले 2 साल में, जो मतलब FY22 की EPS लगभग 10 रुपए थी, और हमारा अनुमान है कि FY25 की EPS जो है वो 25 रुपए होगी। तो 2 से 2.5 गुना इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी में होगा, और उसी प्रकार से फिर हमें स्टॉक प्राइस में भी उसका जो है रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो इसलिए हम लोग अभी रेकमेंड कर रहे हैं हाइकल को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए। डिस्क्लोजर के ये हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंडेड है, उनके पोर्टफोलियोज में होगा, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। ओके, तो हाइकल में एक अपॉर्चुनिटी इस समय आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हमने देखा हाल फिलहाल में केमिकल काउंटर्स में काफी इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले तो निफ्टी बैंक का हाल देखिए। आज दिन भर थोड़ा सा बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन 43,000 पर वापसी होती हुई 43.25 के लेवल्स इस समय स्क्रीन पर आ गए। सिर्फ 29 अंकों की ही गिरावट है, तो निचले लेवल से थोड़ा थोड़ा करके इसमें चाल जो है मजबूती की तरफ बैठने लगी है।